हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि हम किसी के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर कहीं घूम रहे होते हैं या फिर कहीं बाहर में बैठे होते हैं, और अगर हमारे पास सिर्फ एक ही ईयरफोन होता है और हमको गाना सुनना होता है तो दोनों लोगों को एक ही गाना सुनना पड़ जाता है। अगर मान लीजिए एक को दूसरा टाइप का म्यूज़िक पसंद है और दूसरे को दूसरे टाइप का म्यूज़िक पसंद है, फिर भी दोनों को सेम ही म्यूज़िक सुनना पड़ जाता है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही ईयरफोन होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमारा जो ईयरफोन है उसमें एक ईयरफोन में दूसरा गाना बजे और दूसरे ईयरफोन में दूसरा गाना बजे? इससे क्या होगा कि दोनों जो इंसान होंगे अपने मन के हिसाब से अलग अलग ईयरफोन में अलग अलग गाना सुन पाएंगे और अपने सॉन्ग को इंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही कमाल की ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने एक ही ईयरफोन में अलग अलग दोनों लेफ्ट और राइट वाले बड में अलग अलग सॉन्ग कैसे प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। और साथ ही इस बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके एक ही ईयरफोन के अलग अलग बड्स में आपको डिफरेंट सॉन्ग प्ले करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो एप्लीकेशन देखिए ये है, स्प्लिट क्लाउड डबल म्यूज़िक। ये एप्लीकेशन आप सिंपली जाके प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो आप इसको वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इसको डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आपको कुछ एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ऊपर में भी एक प्लेयर दिया हुआ है म्यूज़िक का और नीचे में भी एक प्लेयर दिया हुआ है म्यूज़िक का। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, या तो आप यहाँ पे सिंपली म्यूज़िक को सर्च करके और यहाँ पे अपना सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑनलाइन सॉन्ग्स मिल जाएंगे और उसकी मदद से आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं इसको, और उसी तरीके से आपको नीचे वाले में भी सर्च करके प्ले करके सॉन्ग ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं अभी अपने फ़ोन का ऑडियो कम करके म्यूज़िक बजा के दिखाता हूँ, नहीं तो अगर मैं म्यूज़िक ऑन करूँगा तो कॉपीराइट आ सकता है। तो इसलिए देखिए, मैं ऊपर में एक सॉन्ग बजा देता हूँ, मेरा सॉन्ग ऊपर बजने लगा, और उसी तरीके से मैं नीचे वाले भी प्लेयर में मैं एक दूसरा अपना सॉन्ग बजा दे रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी एक सॉन्ग प्ले होना शुरू हो गया और यहाँ भी मेरा एक सॉन्ग प्ले होना शुरू हो गया। दोस्तों, आपको यहाँ पे और भी अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि अगर चाहते हैं आपकी किसी एक ईयरफोन का जो है साउंड वो कम करना, तो आपको यहाँ पे अलग अलग ईयर्स का अलग अलग साउंड कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं अपना साउंड अपने हिसाब से, जिसको जितना सुनने का मन करे। और अगर आप चाहते हैं कि ये वाला सॉन्ग जो है इस वाले ईयर में बजे और ये वाला सॉन्ग इसमें बजे, तो आप उसके लिए यहाँ पे सिंपली जो स्वाइप वाला जो बटन आपको दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका जो सॉन्ग है स्वाइप हो जाएगा। लेफ्ट वाला सॉन्ग फिर राइट वाले में बजने लगेगा और राइट वाला सॉन्ग लेफ्ट वाले में बजने लगेगा। और इसमें आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आपका नेट नहीं चल रहा है और अपने फ़ोन में जो लोकल म्यूज़िक है आप उसको प्ले करना चाहते हैं, अलग अलग ईयरफोन में अलग अलग सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में जाना होगा। और यहाँ पे देखिए, आपको लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल जाएगा। लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपने स्टोरेज का जो है परमिशन आपको देना पड़ेगा, तो आप इसको अलाउ कर दीजिए। और आप इसको अलाउ कर देंगे तो आपके फ़ोन में जितना भी म्यूज़िक होगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी तो मेरे फ़ोन में कोई भी सॉन्ग डाउनलोड करके मैंने नहीं रखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी सॉन्ग नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर आपके फ़ोन में कोई भी सॉन्ग डाउनलोड करके होगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऑल म्यूज़िक्स में। तो ये तो बात हो गई आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन म्यूज़िक सुनने का। दोस्तों, आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि यही सॉन्ग जो है दोनों ईयरफोन्स में बजे, या फिर ये वाला सॉन्ग जो है वो दोनों ईयरफोन में बजे, तो उसके लिए क्या करना होगा। अगर आप ये वाला सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अप का एरो मिल जाएगा, अगर आप ये वाला सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं तो आपको डाउन का एरो मिल जाएगा, और आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो वाला जो सॉन्ग है दोनों ईयरफोन्स में बजना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं हमको अलग अलग स्प्लिट कर लेना चाहिए, तो आपको यहाँ पे फिर से एक स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो सॉन्ग है वो दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही कमाल का ट्रिक है, इसकी मदद से दोनों ईयरफोन्स में अलग अलग सॉन्ग सुन पाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।